हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे, आज हम उमानाथ मंदिर आए हुए हैं, जो उत्तरायणी गंगा के किनारे यहाँ बसा उमानाथ मंदिर है। और यहाँ पे लगभग सावन की आज लास्ट सोमवारी को संध्या आरती का आयोजन किया गया था, तो उसी को लेकर आज नाइट का व्यू डाल रहे हैं संध्या आरती को लेकर। तो देख सकते हैं कि संध्या की आरती को लेकर यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, काफ़ी जगह से लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं इस संध्या आरती को लेकर इसका अनुभव उठाने के लिए। तो काफ़ी यहाँ पे उत्साह है और काफ़ी लोग यहाँ पे संध्या आरती को लेकर तैयारियों में लगे हुए थे। तो लगभग संध्या आरती को 6 से 8 बजे के बीच स्टार्ट होने वाली थी, तो भी संध्या आरती स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं संध्या आरती को देखने के लिए। तो कई जगह से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे संध्या आरती को देखने के लिए आए हुए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे, चलिए करते हैं यहाँ से कुछ लोगों से बातें, जानेंगे कि संध्या आरती को लेकर इनके मन में क्या विचार है और कैसा लग रहा है, इनको कैसा फील हो रहा है यहाँ पे उमानाथ मंदिर आकर। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो को, देखिए हमारे साथ। तो ये हमारे विवेक बाबा, तो करते हैं इनसे व्यक्ति की बात। बताइए बाबा कि आपको इस संध्या आरती को लेकर मतलब कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? ये आरती बाबा उमानाथ का है, माँ गंगा का आरती, बाबा विश्वनाथ और उमानाथ, काशी और बाढ़ एक, बाढ़ काशी एक है। मतलब कभी के लिए बाबा उमानाथ के काया कच्चा सूत्र, इस बाबा उमानाथ का जो परंपरा है, आज का स्थल नहीं है, ये त्रेता युग से पहले का स्थल है। बाबा उमानाथ, बाबा रामचरित, भगवान रामचरित, जिस समय भगवान रामचंद्र इस धरती पर बाबा उमानाथ की नगरी में आए, उसी समय बाबा उमानाथ की उत्पत्ति हुई। ये उत्तरायण गंगा का जो तट है, ये महाआरती माँ गंगा का आरती, सभी के पापों को दूर करने वाला आरती, इसकी दर्शन मात्र से ही लोगों का उद्धार होगा, क्योंकि ये बाबा विश्वनाथ और बाबा उमानाथ एक हैं और ये दोनों ही उत्तरायण गंगा के तट पर हैं। और ये आरती इतना उत्साहित है कि समय समय के अनुसार आज ही ये आरती हुई है, अब हर प्रत्येक वर्ष की आरती हो, इसमें आनंद ही आनंद प्राप्त। तो जैसा कि विवेक बाबा ने बताया कि इस उमानाथ मंदिर को लेकर क्या इसका महत्व है और इस मंदिर की क्या खासियत है, क्या महानता है, तो चलिए बने रहिए इस वीडियो को हमारे साथ बिना स्किप हुए हमारे साथ लास्ट तक। और दूंगा यहाँ का मैं कुछ कंटेंट यहाँ का ब्लॉग, तो बने रहिए इस वीडियो को हमारे साथ, इसे बिना स्किप हुए हमारे साथ लास्ट। आप लोगों ने उमानाथ की तैयारियां और इसका नज़ारा तो देख ही लिया होगा कि कैसी भीड़ है यहाँ पे भोलेनाथ को लेकर, जो आरती का आयोजन किया गया था और गंगा आरती का दुर्गा की मूर्ति है, यह स्थापित हुई है और यादव सीताराम लक्ष्मण यहाँ पे मंदिर है। तो आज यह सावन का पहला झूला है, जो कि इस सावन के महीने में स्टार्टिंग होता है। तो बात करेंगे यह विवेक बाबा से, इससे मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे और इस सावन के महीने में जो स्टार्टिंग का झूला है या श्री कृष्ण भगवान का, तो बताएंगे विवेक बाबा इनके बारे में कुछ, दो शब्द बताएंगे। ये श्रावण का झूला है, जो श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी से लगता है और जितनी भी बार में ठाकुर
पहाड़ी है, सभी जगह एक झूला लगाया जाता है। ये भगवान राम लक्ष्मण सीता इनका झूला है जो 6 दिन के लिए लगता है, और ये ऐतिहासिक नियम के तौर पर आज से नहीं कई हजारों वर्षों से ये नियम परंपरा चलती आ रही है। और पहाड़ ये जो देख रहे हैं ये एक सबसे बड़े संतों की भूमि है, और ये हमारे सिद्ध पुरुषों के संतों का धाम है। बाबा उमानाथ के एकदम संत ये धाम बना हुआ है, इसलिए ये दर्शन करने मात्र से जिसके अनेकों पापों को मुक्ति देने वाले हैं। तो ये तो उत्तरायण गंगा है, ऐसे भी गंगा जल पापों को मुक्त करने वाली है, और ये भगवान राम कृष्ण का ये जो झूला है ये श्रावण में कष्ट को दूर करने वाला है। धन्यवाद। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं गौरी शंकर मंदिर, जो ये भी उत्तरायणी गंगा के किनारे या पास गौरी शंकर मंदिर है, और हम लोग यहाँ सावन की लास्ट सोमवारी को लेकर यहाँ काफ़ी भीड़ है गौरी शंकर मंदिर में, और यहाँ शिव पार्वती की जो प्रतिमा है और यहाँ जो मूर्ति स्थापना है वहाँ पूजा की जा रही है। तो देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पे कई सारे लोग, यहाँ पे कई जगह से लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए आए हुए हैं, पहुँच चुके हैं। तो देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी भीड़ है यहाँ पे इस मंदिर में। तो इस मंदिर के जो भी करते हैं इनसे बातें और बताएंगे इस मंदिर के बारे में कितने रहा। वैसे तो ये उमानाथ गौरी शंकर ये भी हजारों साल का स्वयंभू शिव है, फर्क यही है उमा और नाथ, वह उमा सामने है और नाथ सामने, यानी नाथ और उमा आमने सामने बसे हुए हैं। ये गौरी शंकर जो मंदिर है इसमें शिव और पार्वती दोनों एक साथ समाहित हैं, इसलिए मंदिर का नाम गौरी शंकर धाम। ये भी उत्तरायण गंगा का तट है, और यह शिवलिंग जो है स्वयंभू है, स्वयंभू का अर्थात ये स्वयं प्रकट होने वाला। जितनी महानता बाबा उमानाथ की है उतनी ही महानता इस बाबा गौरी शंकर की, और उतने ही हजारों वर्षों से ये मंदिर भी उसी परंपरा से निभाया जा रहा है। ये हम देख रहे हैं कि उत्तरायण गंगा के तट पे बाबा गौरी शंकर का जो मंदिर है, और बाबा गौरी शंकर स्वयंभू हैं और सबकी मनोकामना को पूरी करने वाले हैं। जितनी महानता बाबा उमानाथ की है उतनी महानता बाबा गौरी शंकर की है, और हर एक साल की भांति हजारों वर्ष से सोमवार के सोमवार श्रावण शुक्ल पक्ष के अपना जितने भी श्रावण में चारों सोमवार आए या पांचों सोमवार आए इसमें श्रृंगार का उत्सव मनाया जाता है, एवं हजारों श्रद्धालु लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं बाबा उमानाथ एवं बाबा गौरी शंकर के दर्शन करने से काया कंचन करके अपने पापों को छोड़कर आपसे विदा लेता हूँ। तो फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ एक नए वीडियो में, तो तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।